Assalamualaikum, my name is Amna and you're watching a brand new episode of Week in Review. We've got four major dramas and before you are scared that Hasan has introduction ne di, I'll tell you that in the past 2 minutes, se, Hasan is sitting here giggling like a little girl. Hasan, what's wrong with you? Hasan is not stopping. Why? I'm in a very dangerous mood. I'm not leaving anyone to tell you. That's what I wanted to say. Please proceed. Four dramas we have. रुस्वाई थोड़ा सा कहीं दीप जले एंड गलत कह रहे हैं आप हसन, रुस्वाई हम कर चुके हैं, रुस्वाई हम रिव्यू कर चुके हैं. हसन पता नहीं आज किस मूड में आए हैं जुमा पढ़ के. आज हम रिव्यू करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा हक को, उसके बाद प्यार के सदके. इसको देख के इतने गुस्से में बैठी हुई ऐसे लग रहा खा जाएंगे आज सबको. प्यार के सदके, थोड़ा सा हक, थोड़ा सा कहीं दीप चले और मेजरली ये दिल मेरा. क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? हम शुरू करते हैं ना उससे, प्यार के सदके जी. तो आपके क्या थॉट्स हैं प्यार के? आप बताएं, आपको बहुत पसंद थी बिलाल और यमुना की जोड़ी, अब आपको कैसी लग रही है? मुझे बिलाल और यमुना की अदाकारी बड़ी पसंद थी. जोड़ी तो मैं पहली बार उनकी देख रहा हूँ जी, और बुरा नहीं है ड्रामा, बट मैं ये सवाल आपसे रेज करना चाह रहा हूँ जी हसन, अगर आपको आपकी गिगलिंग फिट से रिलीफ मिल गई हो, कुछ मैं आप पे पढ़ के फूंक दूं कि आप मतलब. मैंने पानी पिया है, आई एम फीलिंग बेटर नाउ. जी तो बताएं, प्यार के सदके में आपको कैसा लग रहा है? यार मैं ऑनेस्टली मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बोलूं कि अच्छा मैंने अब हर एपिसोड देखनी और मैं इंतजार करूं. अच्छा, अच्छा क्या लग रहा है आपको उसके अंदर? अच्छा ये लग रहा है कि जैसे दोबारा देखें, बिलाल की एक्टिंग बहुत अच्छी है जो थोड़ी बहुत हमें नजर आती है. कल का जो उनका एक सीन था शुरू का और फिर एंड में वो थोड़ी देर के लिए आए, तो उस सीन को मैं देख के मैं यही सोच रहा था कि बिलाल हैज कम्प्लीटली फिट इनटू दैट कैरेक्टर. अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला को देख के ये मुझे अब ऐसा लग रहा था यार कि शायद कोई और अगर ये कैरेक्टर करता तो इतने खूबसूरती के साथ ना कर सकता या इतना इस तरह से जस्टिस ना कर सकता परफॉर्मेंस को. तो बिलाल की ये क्वालिटी है, दैट ही इज डन अ वेरी गुड जॉब. यमुना की जहां तक बात है, मुझे पता आपको और बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको ओवर द टॉप उनकी एक्टिंग लगी, मुझे अगेन इस एपिसोड में उनकी एक्टिंग अच्छी लगी. अच्छा मैं आपकी बात करती हूँ, एक्टिंग उनकी बुरी नहीं है, शी इज एक्चुअली डूइंग हर कैरेक्टर वेरी वेल, बट वो कैरेक्टर है क्या? अगेन आई हैव अ प्रॉब्लम विद द कैरेक्टर. क्या उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी है? माँ बाप दोनों सेन और रीजनेबल लोग लगते हैं, उनके यहाँ ऐसा नमूना कैसे पैदा हो गया है? वो बच्ची की क्या बचपन में चोट लगी थी गिरने से जिसकी वजह से उसके सर पे असर हुआ है इस चीज़ का? क्या कोई उस पर साया है किसी चीज़ का? मतलब व्हाई इज शी लाइक दिस, व्हाई इज शी सो डम? ये मेरी कॉन्वर्सेशंस जुमना से भी हुई थी जी, फारूक ग्रिन से भी हुई थी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने दोनों ने यही बात बोली थी, शी इज जस्ट वेरी इनोसेंट. तो ये इसका कोई मेंटली मेडिकली कोई मसला नहीं है, मतलब बस वो है ऐसी इतनी इनोसेंट है कि उनको माँ ने कहा तुम्हारी गोद हरी होगी तो मैं तुम्हें दूंगी और वो जाके अपने ग्रीन कुशन रख. व्हाट इज शी लाइक, 3 इयर्स ओल्ड? मासूम है. वो ऐसी प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट में रही है ना कि उसको नहीं पता कि दुनिया में कैसे होता है. अच्छा, सो दिस वाज सिक्स्थ, छठी एपिसोड थी ये, और इसमें अगेन मैं फिर से वही बात कहूंगी जो शुरू से कह रही हूँ कि मुझे सरवर और मंसूरा बेगम का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. अच्छा मुझे वो समझ नहीं आया इस एपिसोड में, और वो हम शायद थोड़ा सा आगे चले. इसलिए आप ना माजबीन के साथ रिलेट करते हैं. मैंने क्या कहा था? आप यदि मैं दोबारा एक लाफिंग फिट में चला जाऊं? नहीं नहीं, इसीलिए आप, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं. मैं आपको उसकी, आप बड़ों वाली चीजें समझ नहीं. अच्छा मैं आपको उसकी वजह बताता हूं और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे सवाल का जवाब दें. सर्वर नाराज होकर रूस के चला जाता है अपनी माँ के साथ. हाँ जी. वो ऐसे जैसे एक 16 साल की 18 साल की लड़की हो, बट चले वो चला गया वहाँ पे, नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी 17-18 साल का, बट वो चला जाता वहाँ पे. वहाँ पे गुले राणा जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, शाउट आउट गुले राणा जी, बल्कि एक पप्पी टू गुले राणा जी, मुझे बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग लगी, जो उनके वन लाइनर्स थे बीच बीच में बहुत जबरदस्त थे. अब वहाँ पे जब वो जाता है तो पीछे पीछे जाती है मंसूरा उनको मनाने के लिए कि यार प्लीज आ जाओ घर, आ जाओ सब कुछ आ जाओ. एंड वाले सीन में हमने ये देखा कि वो बड़े क्लियरली उसको बोलती हैं कि भाई कि अगर मोहब्बत में तुम थ्रेटन करते हो, ये करते हो, वो सही नहीं है, और जहाँ पे मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया तो मैं तलाक भी बर्दाश्त कर लूंगी. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है जो हमें लग रहा था यार कि वो नीचे लगी हुई है उसके सर्वर के, और क्योंकि उनकी तारीफ कर देता है तो वो इसी में खुश है,
She is able to take a stand. I've been a widow for so long. अगर मेरे पे तलाक का भी निशान लग जाएगा तो मैं वो भी सहलूंगी. लेकिन मैं धमकी नहीं सुनूंगी. मगर मैं धमकी नहीं सुनूंगी. I'm not going to take your bullshit. So now मेरा सवाल आपसे ये है कि वो अब ये स्टैंड लेने के लिए अगर तैयार हैं तो पूरी उम्र जो उनके बच्चे पे जुल्म होता रहा उनकी आंखों के सामने तब उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया. अच्छा, मेरा इससे पहले एक सेकंड छोटी सी एक और सवाल पूछूंगा. इससे पहले जो सर्वर उनको if he treated her like shit, जैसे बदतमीजी की पिछली बार, तब उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया. वो उसके पीछे पीछे घर गई क्यों उसको मनाने के लिए पहले. If she is able to take the stand and if she is not willing to take his shit, तो अब तक उन्होंने ये सब क्यों बर्दाश्त किया. I think she is giving him chances to redeem himself और कि इंसान का बच्चा बन जाओ. जहां तक बात है अब्दुल्ला की, I don't know whether she is witness to server beating Abdullah up or not. Last episode में अगर उसने देखा है कि server मार रहा है पिछले से पिछले. शायद अब उसने देखा है और अब वो realize कर रही है कि server जो है जो नजर आता है वो नहीं है. जैसे then I'm sorry she's not a good mother. Sure, okay, that's justified. कि अगर आपको अपने बेटे उसका 20 साल का 25 साल का तो होगा ना बेटा, तो आपको ये नहीं पता कि आपके 25 साल के बेटे के mental issues अगर इतने serious चल रहे हैं. Absolutely, ये हो सकता है. तो how oblivious is she? That's fine. That she could not be a very committed mother. बिल्कुल हो सकता है. हो सकता है कि वो अपनी life की struggles में इतनी घिरी हुई हो, पहले अपने हस्बैंड की मौत, फिर बिजनेस, फिर बच्चों को पालना, कि नहीं वो पाल सकी हो सही तरह. इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग कि शायद नहीं पाल सकी हूँ. और बहुत सी माएँ होती हैं उनको नहीं नज़र आती हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स. एंड प्लस शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू हैंडल अ रिलेशनशिप विद अ मैन हु इज़ अ लॉट यंगर देन हर. वो कॉन्स्टेंटली उस ऑ में है कि मैं इससे बड़ी हूँ. एंड यू नो मे बी उसकी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो नहीं देख सकी हो. जो बात उसकी बेटी ने सुनी थी बचपन में सर्वर को कहते हुए और बच्चों के साथ बताओ, वो इन्होंने शायद नहीं देखी मंसूरा बेगम ने. सो मे बी नाउ शी इज़ सीइंग इट एंड शी इज़ गिविंग हिम अ शट अप कॉल. But I like the dynamic between the two, and I find it intriguing, and I'm also interested कि ये कैसे handle करेगी. I like the fact कि 6 episode के बाद ही उसने shut up call दे दी है. ऐसा नहीं है कि 26वें episode में दे रही है. So they are fine. What I don't understand is that Abdullah और माजबीन वो अलग अलग. अब थोड़ी सी हमें झलकी नज़र आ रही है कि उनका इकट्ठा relationship बनेगा. जब वो कहती है कि यू नो नहीं होगा तो मैं ही तुमसे शादी कर लूँगी, एंड वो सोच में पड़ जाता है. बट लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो सब हमने देखा उसकी तो शादी हो रही है. उसकी शादी हो रही है या माजबीन की क्या हो रहा है. हाँ, तो इट्स ऑल ओवर द प्लेस. दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, और बहुत से बिलाल के फैंस ने मुझे टैग करके इंस्टाग्राम पर यह बोला है कि हम ये ड्रामा देख रहे हैं फॉर बिलाल. देर इज़ नॉट इनफ ऑफ हिम इन द स्टोरी. द स्टोरी इज़ ऑल ओवर द प्लेस. हमें वो दो सीन में नज़र आता है, शुरू के 2 मिनट और आखिरी 2 मिनट. वी फील लाइक वी बीन चीटेड एंड आई थिंक दैट्स जस्टिफाइड बिकॉज आपने बिलाल और यमुना को इस्तेमाल किया है एज द अट्रैक्शन. सो 6 एपिसोड हो गए हैं, अभी तक तो कोई कपल उनका नहीं है, कोई उनका रोमांस नहीं है. बट पिछला जो एपिसोड था वो बिलाल सेंट्रिक था एक तरह से. यमुना का उसमें पेरेंट्स कम था. इस एपिसोड में यमुना का पेरेंट्स ज्यादा था, बिलाल का कम था. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई जानबूझकर किया गया. ये स्टोरी लिखी इस तरह से गई है कि जहाँ पे फोकस शिफ्ट होता है. और इंटरनेशनली भी अगर आप ना आप देखें तो कोई भी एक कैरेक्टर पे इतना फोकस नहीं होता. हर एपिसोड में एक डिफरेंट कैरेक्टर के प्लॉट चल रहा होता है, उनकी बैक स्टोरी डिस्कस हो रही होती है. तो इतनी कोई मायूब और अजीब बात. दूसरी बात है, मेरे ख्याल है एक दो मौका दें एक दो एपिसोड के लिए. आई थिंक दे आर गोइंग टू नाउ. ऑफ कोर्स, मतलब अब्दुल्ला एंड माजबीन आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स. ऑल्दो मुझे समझ नहीं आई कि अब्दुल्ला माजबीन के घर आता क्यों है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. इस एपिसोड में तो नहीं आया वो. मगर क्यों, पहले भी क्यों आ रहा था. इट्स नॉट लाइक देयर फ्रेंड्स और देयर पेरेंट्स आर फ्रेंड्स. व्हाई व्हाई डज ही जस्ट टर्न अप एट हर हाउस एवरी नाउ एंड देन. आई थिंक बिकॉज अब्दुल्ला इज ग्रोन अप विद मुंशी जी. और शुरू के एपिसोड में हमने देखा था जब वो अब्दुल्ला घर नहीं आ रहा था, कॉलेज में था, शायद मुंशी जी तो अम्मी ने फोन किया कि मुंशी जी आप अब्दुल्ला को ले आए. तो इस वजह से शायद बचपन में अब्दुल्ला आता जाता हो घर में मुंशी जी के साथ. तो एक मगर मेरे वो क्वेश्चंस अभी तक दे स्टैंड के माजबीन का कमरा क्यों नहीं है कोई. व्हाई इज देयर शी हैव दिस ओपन स्पेस, व्हाई इज देयर नो प्राइवेसी. आई मीन दीस आर वियर्ड क्वेश्चंस. क्रिएटिव लिबर्टी वो. ओके फाइन. बट एक मुझे एक नहीं समझ आई, जैसे वो वर्कशॉप क्यों है घर के नीचे. वो अंकल एक टाइम पे साइकिल ठीक करना शुरू कर देते हैं, वही ना एक पीछे हेलमेट लगी हुई है. वो तो ये उन्होंने क्रिएटिव अजीब सा उन्होंने नक्शा खींचा हुआ है. नो, अब सवाल मेरा आपसे, रिव्यू करना है या नहीं करना. हां, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई वांट टू वॉच इट. रिव्यू आई फाइंड इट डिफरेंट अ लिटिल बिट. एट लीस्ट इट्स नॉट अबाउट अ वुमन्स complicated relationship with her husband and then her mother-in-law and then her being subjected to domestic violence. Or at least it's fresh, it's something new, so I want to watch it. ठीक है. एक दो मजे की चीजें थी, वही जो मैं गुले राणा जी की बात कर रहा था, तो उनके जो बीच में वन लाइनर्स थे बहुत मजे के थे. एक उन्होंने कहा कि आग सांस के लिए कुछ नहीं लेके आई.
खाली हाथ आ गई, कहते इतने साल बच्चा भी नहीं दिया, इतने साल बच्चा भी नहीं दिया, तो वो बड़े अच्छे थे। She's very good. I mean, I want to see more of her. She's so good. She's so good. Absolutely. And I think so is Atika in her character, and so is Umair Rana and Gul Rana. I mean, ये तीनों का बहुत जबरदस्त जोड़ी है. Bilal, I like. I want to see more of him. I want to see more character development. वो नहीं हो रही. But anyway. यमुना के वो सीन्स क्यूट थे जो कप लेने गई, मुझे लगा उनकी दोस्त ने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की वहाँ पे उनके जो साथ दोस्त उनकी मीसनी है ना, बिकॉज वो भी आंख मटक्का कर रही है उसके साथ. डॉक्टर जहांगीर डॉक्टर साहब के साथ वो कर रही है. हाँ, पर मुझे उसके जो थे एक्सप्रेशन थोड़े से एग्जैजरेटेड रखे. यमुना ऑन द अदर हैंड अगेन वो सीन बड़ा क्यूट था, वो बिटिया वो अंकल भी अच्छे थे, क्यूट थे, कप जो बेच रहे थे उसको, और घर आई और घर आके जो उसने कप दिखाने शुरू किए सारे, दैट वाज क्यूट स्वीट था वो सारा सीन्स, वो मजे के लगे मुझे, फनी लगे. डॉक्टर फियांसे जो थे वो उनका कोई इरादा नहीं लग रहा मुझे इनके साथ शादी करने का वैसे, और वो हमें नजर आ गया कि बहुत बड़े फ्रॉड हैं. हाँ, वो हार लेके आया है 5 लाख का, और वो मतलब किराए पे, और वो वलीमे के अगले दिन वापस हो जाएगा. सो ये है. एनीवे मूविंग ऑन. कहीं दीप जले जी, एपिसोड शुरू हुआ, शमीला भागती हुई गई गेट की तरफ, फहाम फहाम फहाम, तो मेरी पुरानी यादें ताजा हुई, मुझे लगा अब शायद सुनने को नहीं मिलेगा फहाम कभी. आपने बहुत अच्छा किया. कोई प्रोड्यूसर प्लीज आमना को चांस दें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज मैं मैनेज करने को तैयार हूँ आपको. फहाम मत जाए, फहाम फहाम मेरे से नहीं होता, आपसे ज्यादा अच्छा होगा जी. तो वहां को वो ढूंढने गई जी, और वो हमने देखा कि वहां पे उनके जो भाई हैं और भाभी हैं वो पता नहीं क्यों नाक चढ़ा के, यार चलो ठीक है शमीला में 100 बुराइयां, एंड आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू डिफेंड हर ऑनेस्टली, लेकिन हर हस्बैंड जस्ट डाइड, यार गिव हर अ ब्रेक, अगर वो इस तरह की अजीब हरकतें कर रही है तो थोड़ा सा तो उसको प्यार दिखा दो यार. वो एक रैंडम सीन आता है बीच में, भाभी अपने मियाँ को कह रही होती है कि मेरे से ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कह दे रही हूँ, वो बड़ा रैंडम सा एक बीच में सीन आ गया एकदम, मुझे समझ आपको बस एक ही रैंडम सा सीन वो लगा. बट इंपॉर्टेंट चीज जो उसके बाद हुई वो मेन, वो बड़ी अच्छी बात हुई कि तौकीर ने फोन किया जिशान को. हाँ जी, बाहर से जहाँ कहीं भी वो है, पता नहीं गया कौन से मुल्क में, बट वो मुझे अच्छी लगी बात भेजता था खत, तो वो कहता है हाँ अगर उसको ना रेसिप्रोकेट करती तो वो तुम्हारा खत संभाल के क्यों रखती. मैंने ना ये यहाँ पे पूरा एक ये पॉइंट बाय पॉइंट ये लिख के रखा कि मैं आपसे ये पूछूंगा जी कि जिशान का मसला क्या है, इनसिक्योर है मेरे ख्याल है वो, उसको उसकी माँ माँ जिसने उसको जन्म दिया है, पैदा किया उसको, जिसकी वो इतनी इज्जत करता है कि वो धक्के खाता रहा रोडों पे, लोगों से डंडे खाता रहा, उसको हॉस्पिटल जब वो ले गया शुरू में, वो माँ कह रही है कि इसका दामन पाक लड़की. हाँ. उसको वो लड़की बजाते खुद जिससे ये जुनून की हद तक प्यार करता है मोहब्बत करता है, वो कह रही है मेरा दामन पाक है जी. वो लड़का जिसको पे ये शक करता है कि जिसके साथ इसका चक्कर था, वो अमेरिका से या इंग्लैंड से उसको फोन करके कह रहा है इसका दामन पाक है जी. उस लड़के की बहन उसको फोन करके कह रही है कि इस लड़की का दामन पाक है जी. मुझे समझ नहीं आ रही, मामी उसकी कह रही है कि इस लड़की का दामन पाक है जी. दुनिया का हर बंदा उसको कह रहा है इस लड़की का दामन पाक है, वो कह रहा है नहीं, इसको खत लिखा क्यों गया और उसने संभाल के क्यों रखा. हाँ जी. एक हमारी व्यूवर है एंड राइटली सो, उन्होंने पिछली बार कहा कि इवन इफ शी वाज इन अ रिलेशनशिप बिफोर शी गॉट मैरिड टू जिशान, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, या शी इज नॉट चीटेड ऑन जिशान यार. नो, इट्स नॉट लाइक जिशान के साथ शादी के बाद उसका किसी के साथ अफेयर चला या कुछ हुआ. तो ये किस तरह की राइटिंग है, आई वुड से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. हाँ, आपका बिल्कुल वैलिड है पॉइंट, बिल्कुल वैलिड है. एक बंदा जो इतना ऑब्सेसिवली प्यार कर रहा है एक लड़की से, शुरू में जो उन्होंने दिखाया जिस तरह से वो उसको मोहब्बत करता है और वो उसके जूते उतारने लगती है तो कहता है नहीं 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 नहीं, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपकी जगह मेरे दिल में है, मेरे सर के ऊपर है, मेरे माथे के ऊपर है. तो अब वो जाके उसको इतनी सी बात के ऊपर कि उसके किसी किताब के ऊपर से किसी और का लिखा हुआ खत निकला है. टोटली आई एग्री. अच्छा, मुझे दो इसमें डायलॉग थोड़े प्रॉब्लमेटिक काफी लगे. खाली दो, मतलब दो मैंने नोट किए. एक तो ये था कि जब वृद्धा अपनी चुटिया बनवा रही होती है अपनी अम्मी के साथ बिस्तर पे बैठ के, तो वो कहती है कि किसी औरत के लिए ब्लड रिलेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका हस्बैंड के साथ रिलेशन,
और जो मर्द जो है अपनी बीवी पे शक करे और करे, इससे बेहतर है कि वो औरत मर ही जाए। अच्छा मैं एक बात कहूँ, अगर आप उसका गलत मतलब ना निकालें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। जी जी, नीलम मुनीर ना जी मेकअप के बगैर लगती बड़ी प्यारी है, वैसे हसीन लग रही थी। मैंने कहा गलत मतलब ना निकालिएगा, मैं एक्चुअली वो डायलॉग सुन ही नहीं सका, मेरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं गई डायलॉग। आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर, आई वाज लाइक वाओ शी इज सो प्रीटी। इसलिए दिशान शक करता है अपनी बीवी पे। आपको पता है ये एक बड़ा जेन्युइन फिनोमेना है कि जब लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं और मियां इनसिक्योर हो जाते हैं। बट शी डिड लुक वेरी प्रीटी। या 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 एब्सोल्युटली। विदाउट मेकअप एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उसकी। विदाउट मेकअप एंड शी वाज जस्ट सिटिंग एंड वो एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरती हुई हमें नजर आ रही है। दूसरा डायलॉग था जो कि मैं भूल गई हूं, बोला किसने था कि औरत की सबसे बड़ी पनाहगाह उसके शौहर का घर होता है। ये भी इतनी बड़ी बकवास है, इसलिए कि मेरे ख्याल ये मेरे ख्याल में मामी ने बोला था। सबसे बड़ी पनाहगाह जो है ना औरत की, वो उसके अपने मां-बाप का घर होता है। सबसे बड़ी सेंचुरी, guys and women who are listening, women's day aa raha hai, please I want to give this message out for every woman, every girl, aapki sabse badi panaga aapke maa baap ka ghar hai, jo aapko wo protection dete hain, jo pyar dete hain, that is your savior through your life, not your husband's house, not your in-laws house, nothing, it is your parents house, it is your parents who you take for granted all your life and everything else is a bonus. So ye dono problematic the bahut zyada, लेकिन असल जो ट्विस्ट इन द टेल थी। बट मैं एक बात यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट नहीं करना चाहूंगा, कि अगर एक लड़की है उसको इस राह पे लाके खड़ा कर दिया उसके हस्बैंड ने कि यार के उस पे शक कर रहा है और भाई जो उससे इतना प्यार करते हैं। हाँ, मुझे भाइयों का प्लीज आप मसला, आप कह रहे हैं निशान का मसला है, आप मुझे ये बताएं उन दो उल्लू के पट्ठों का क्या मसला है? वो बगैरत भाई ऐसे हैं कि ये हमारी प्रिंसेस है, मेरी डॉल है, मेरी फलाना है, मेरी धमाका है, वो अस्पताल एमरजेंसी में लेके गए, बगैरत एक बार भी नहीं गए उससे मिलने। जस्ट इमेजिन, दैट्स व्हाट आई सेड ना, कि ये जो कहीं दीप जले, द मेन इन कहीं दीप जले हैव गॉन टू अ स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल। अच्छा, पहले स्टूपिड स्कूल था ये, कौन सा? ऑफ इडियोसी। किसी ने कहा इडियोक्रेसी नहीं होता, इडियोसी होता है, कुछ इस तरह की कुछ चीज। नो, इट्स नॉट इवन इडियोसी, इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज, अनरीजनेबिलिटी। दिस इज सो वियर्ड, दीस मेन। या आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट मेन आर weird and some, बल्कि सबसे normal इनमें तौकीर है, सबसे मैं इतना खुश हुआ तौकीर के character से, he was man enough to say, मगर अली अंसारी है, dispensable है बेचारा। फिर अली अंसारी अच्छा actor है, बहुत अच्छा actor है, सबसे मुझे normal पसंद वो है। आने लग गया यार, उसको पसंद थी, उसने मोहब्बत का इजहार किया, वो नहीं उसको मिली, वो चला गया और अब वो माफिया मांगता फिर रहा है, वो सबसे नॉर्मल बंदा है। कैसे कहाँ होता है आजकल यार कि कोई बंदा इतना कंसर्न शो करे। और एक बात नोटिस करें, वो उससे पूछता है तुम उससे मोहब्बत करते थे, कहता मोहब्बत करता हूँ, अभी भी वो मुझसे मोहब्बत करता है। चाहिए कि इसको ठुड्डा कराए दिशान को और तौकीर से शादी कर ले, और अपने भाइयों को भी ठुड्डा कराए, ठुड्डा कराए। तो मेरे ये मसले हैं इन मर्दों से, मगर ऐसे डायलॉग से नहीं। अच्छा, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था कि एक लड़की को अगर आपने इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे भाई भी उससे प्यार करते थे और शक कर रहे हैं, मियाँ भी शक कर रहा है, तो वो बेचारी सुसाइडल ना हो तो क्या हो यार, क्या करे वो? एक इतनी प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रही है, हर किसी ने उसको अपने सर का ताज बना के रखा है, और एकदम उसको जमीन पे फेंक दें तो वो क्या करेगी बंदी? साइकोलॉजिकली बंदा पागल हो जाता है यार। नहीं नहीं, पागल तो आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। आई वुडंट इवन वांट टू गो देयर कि सुसाइडल ना हो तो और क्या हो, ऑफ कोर्स सुसाइडल ना हो फिर भी ना हो, होना नहीं चाहिए, बट उसको उस तरह की कंफर्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम पीपल अराउंड हर। ऑफ कोर्स शी शुड, होना तो बहुत कुछ चाहिए, बट शी इज अ प्रोटेक्टेड लिटिल प्रिंसेस, शी डजंट नो हाउ टू डील विद दिस इडियट ऑफ अ हस्बैंड, वरना उसको थप्पड़ मारे मुंह पे और कह के इंसान बनो यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। जैसे कि उसने कहा है, डॉक्टर ने अब बोला है अगले एपिसोड के प्रोमो में कि ये टेस्ट जब तक ऐसे नहीं होगा, वी कांट डिटरमिन, ये बकवास टेस्ट आपके हुए हैं, दोबारा कराएं, और अब वो माफ़ी मांगता हुआ आ गया है, एंड शी सेज कि आपने जो तोहमत मुझ पे लगाई है, हाउ डू आई गेट बियॉन्ड इट। और आई थिंक इसमें वो जो शी शुड लीव हिम, शी मस्ट, सवा हमीद के कैरेक्टर ने बड़ा जबरदस्त किया, अच्छा रोल प्ले, उन्होंने कहा कि मैं मान ही नहीं सकती टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट गलत होगा और तुम दोबारा टेस्ट कराओगे। मगर आप भी मर्द हैं, आप ये बताएं दिशान का प्रॉब्लम क्या है? नहीं समझ आ रहा ना, नहीं honestly, तो आपका इतना दोस्त है इमरान, पूछे ना उनसे कि उनका क्या प्रॉब्लम है, करते हैं कुछ इस पर, मतलब आप बात पूछिए उनसे। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या वो इतने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे में हैं कि इतनी खूबसूरत उनकी बीवी है ये उनसे लॉयल हो नहीं सकती, या इतनी अमीर बीवी है और ये उसमें से बैड टाइम्स में से गुजरे हैं। एक तो इतनी मिठाई वो जाया कर देते हैं, पहले उनको याद ख्याल नहीं आता कि उनका स्टेरिलिटी का टेस्ट रिजल्ट आया हुआ है, रिवर्स उन्होंने ऐसे कट मारा फिर।
बट मुझे आपके पॉइंट समझ में आ रहा है, यू नो, फिर आप बोलेंगे कि मैं दानिश और मेरे पास तुमको लेके आ गया हूँ, बट फिर आपको रेफरेंस मानने वाले हैं। सिर्फ इसलिए मानने लगा हूँ कि उसमें हमने एक हस्बैंड को देखा जो कि इनसिक्योर है अपनी बीवी को लेके। सो आई थिंक इस तरह के हस्बैंड्स तो हो सकते हैं कि जो इतने इनसिक्योर हो अपनी बीवी को लेके। कौन था इनसिक्योर? दानिश इनसिक्योर नहीं था कि वो बात भी अगर करे तो किसी से करे, क्यों करे? दानिश की इनसिक्योरिटी नहीं थी, दानिश का शक बिल्कुल सही था, वो इनसिक्योर बिल्कुल नहीं शुरू में इनसिक्योर। दानिश तो माफ करने को भी तैयार था कि तुमसे। अरे शुरू में इनसिक्योरिटी तो थी। लेट्स नॉट गो देयर। आई एम जस्ट सेइंग कि सम मेन, आई अंडरस्टैंड दैट सम मेन कैन बी इनसिक्योर इफ दे थिंक देयर वाइव्स आर सो प्रीटी। आई थिंक दैट मोस्ट मेन आर इनसिक्योर ऑफ वुमेन, स्पेशली इफ दे आर प्रीटी और सक्सेसफुल और डूइंग बेटर देन देम, देन दे आर इनसिक्योर। एंड ज़ीशान इज जस्ट अ टिपिकल मेल in this case because she is gorgeous, he is insecure. aur usko koi letter mil gaya to usko laga shayad ki ye mere se khudda karaye usko aur talaq le aur keh ke bhi talaq to ho nahi sakti hai, bachcha hone wala hai, magar ye hai ki nahi. bada humne next episode se dekha ki wo promo se dekha ki ab wo usko wo test wali jo baat aap keh rahi hai, aur ye fir usko kahegi ki tumne mere pe itna bada shak kiya aur itna bada ilzam lagaya ki I don't give a shit about. but anyway, Neelam Muneer's performance was very good, very good acting, and I really liked Saba Hameed's character. But two dialogues of these references to औरत की औकात क्या है और उसके मियाँ किस इज्जत के साथ जुड़ी हुई है, दिस आई एग्री विद के एक रिलेशनशिप में औरत को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दिस आई एग्री, ये होता है। आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट ये होता है। मामी के डायलॉग्स आई डोंट अग्री विद, बट रिदा के डायलॉग्स ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रामा दैट शी इज फेस, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। वो ऐसा क्यों सोचेगी? ज़रूरत वहाँ पर यह थी कि वो उसको करेक्ट करती हैं आंटी जो उसकी मामा है, और वो उसको बताती है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे हस्बैंड की है। तो वहाँ पे अगर वो लेसन हमें दिखाया जाता तो वो बेहतर होता। एनीवे जी, मूविंग ऑन टू मोर लेसन्स, मूविंग ऑन टू आवर फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, दिस इज वेयर आई आस्क्ड, डू वी नीड टू इवन रिव्यू इट 18 एपिसोड्स इन? अच्छा, आई विल बी फेयर एंड ऑनेस्ट, थोड़ा सा हक हैज बिकम अ गिल्टी प्लेजर नाउ, आई एंजॉय वॉचिंग इट, एंड आई हैव टू से in this episode Rabia Tai actually emerged as the hero, and I think she's actually the hero of Thoda Sahab. Would you agree with me or not? The stand that she's taken for her daughter, in that sense, all throughout, absolutely, and the fact that she puts Zamin in his place every single time, just and makes me a fan of her. Even jo unki angst aur gussa hai wo bhi justified hai yaar, sab justified hai, unki behan ke sath jo hua sab justified hai, sirf execution zara OTT hai, but that's okay, makeup bhi thoda OTT hai, but that's okay. ek ad point pe jab wo kuch baat exaggerate zyada kar deti hai to wo hai, but so far jitne bhi wo concerns raise karti hai aur jitne bhi points raise karti hai sare justified hai mere hisab se. ji shuru mein jo wo scene hai ke wo aati hai क्या नाम उसका गर्ल का, हरीम, हरीम गुस्से से आती है अपनी माँ के कमरे में, पांच जिन के सास जो होती हैं वो इतना अपने दामादों का ख्याल रखती हैं, उनके आगे पीछे घूमती हैं, उनके नखरे उठाती हैं, उनकी बेटी खुश रहे, कहती है लोअर क्लास मेंटालिटी अपनी अपने पास रखो। आई लाइक दैट, सही बात है, बैड एस वुमन यार, आई लाइक दैट, कि क्या बकवास है ये कि दमाद, क्या दमाद हो आसमान से उतर गया दमाद, बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त बात की। फिर उन्होंने कहा यही डायलॉग जो है ना, ये इन्हीं को सबा फैसल को कहीं दीप जिले में रिदा को कहना चाहिए था। फिर उन्होंने दूसरी बात बोली जामिन को, मैंने तुम जैसा घटिया और नीच इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। देखा तो है इजाज़, बट इसने उसका भी क्रॉस कर दिया, बिल्कुल। और जामिन आगे से कहता है क्यों, क्या किया है? हाय मजे, मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूं, तूने क्या किया है उल्लू के पट्टे, मजे। खैर उस पे आते हैं, फिर कहती है उसको जामिन को, मेरी बेटी तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी मरीज है। हाँ, ब्यूटीफुल डायलॉग, बीमारी है, तुम बीमारी हो उसकी, तुम्हारी मरीज है वो, पप्पी फॉर राबिया ताई, तुम्हें कैंसर हो उसकी जिंदगी, तुम कैंसर हो उसकी जिंदगी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। एक और पप्पी राबिया ताई के लिए मैं फैन हो गया हूँ यार, और सबा फैसल ने क्या एक्टिंग की है, जबरदस्त। फिर एंड में उसको भी, इफ्तिखार ताऊ को भी उन्होंने सही सुनाई है, इफ्तिखार ताऊ को कहती है अगर आप उसके इतना प्यार होता ना आपको अपनी बेटी से, आप ला के जामिन को और सहर को रखते आमने सामने और कहते कि तलाक दो एक दूसरे को, बिल्कुल, अगर इतना आपको प्यार होता अपनी बेटी से, आपने नहीं दिया, बिल्कुल जबरदस्त। नो नो, शी इज
She's good. आज पप्पियों की बौछार है राबिया ताई के ऊपर. मेरा बहुत दिल खुश हो रहा है. बिल्कुल सही है. वो and we need such female characters in our drama. Absolutely. It is very important. बिल्कुल, I agree. Very good episode. 100%. Very good episode. 100%. In fact, all the women are slightly stronger than the men, except for Munazza Tai, जो कि बेचारी इधर उधर रिड़क रही हैं गोंगलू की तरह. But even Hareem, in her way, is right कि भी मेरा हक है तलाक दो उसको. और तुम क्या stupid बातें कर रहे हो कि दोनों के साथ, तुम दोनों के साथ कैसे रह सकते हो एक वक्त पे. And even Seher अपनी तरह ठीक है यार, जब जब तक तुम अपना सेटल नहीं होते हो, give me some concrete place. What are you, क्या फोन करके, और ये क्या फोन करके पूछ रहे हो कि सूरज कैसे गरूब हो रहा है और तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं और कहाँ पे, सी व्यू पे. सी व्यू पे बस ये उधर जाके बैठ जाएगा. हाँ. हेलो कैसी हो तुम. हाँ. चाय मिलती है कैंटीन में, पराठा ना खाया करो घर से, पराठा रोल ना खाया करो. यार उल्लू के पट्टे, एक तो तुम मर्दों के नाम पे धब्बा हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे मर्द कोई, तुमने स्टैंड नहीं लिया अपनी दोनों बीवियों के लिए. और एंड में आगे मीसना से बन के कहता है मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ. टोटली. क्या तुमने डिजर्व क्या किया कि तुम दोनों के साथ रहो. हाँ. क्या अर्न क्या किया तुमने, क्या तुम्हारी अचीवमेंट है कि बंदा बोले अच्छा ठीक है यार तुम दोनों के साथ. आपको क्या ख्याल है अब क्या होगा. मेरा तो सर उसने घर ले लिया ना शहर के लिए अब. बट वो भी गलत है. Why is he being unfair to Hareem? No, I think he'll divorce Hareem. But why? क्या कसूर है हरीम का? No, no, I think फिर कसूर तो हरीम, हरीम का ये कसूर है, उसको नहीं शादी करनी चाहिए. उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी यार. हरीम को नहीं शादी करनी चाहिए थी. और अब मैं कल सोच रहा था कि राबिया ताई बजाय ये कहने के कि तुम सहर को तलाक दो, उनको पुश करना चाहिए हरीम को दो तुम तलाक. मेरे ख्याल है वो आएंगी इस पे अब. इस पे आना चाहिए. अगर इस पे आती है ना राबिया ताई तो वो बिल्कुल जबरदस्त एवोल्यूशन होगी राबिया ताई की कैरेक्टर की और मैं और फैन हो जाऊंगा. हां बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल है वो करेंगी ये. हां उनको ये करना चाहिए, उनको उसको तलाक दिलवानी चाहिए हरीम को. बिकॉज़ ये कह चुकी है कि तुमने शादी की क्यों, तुमने क्यों मेरी बेटी का बर्बाद किया. यू शुडंट हैव एग्रीड. एंड इस पॉइंट पे उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि उनको पता है कि मेरी बेटी बहुत ही साइको हुई है इसके पीछे और वो शायद रह नहीं पाएगी. बिल्कुल. तो आई होप कि वो ये स्टैंड लें और फिर वो इवेंचुअली आई थिंक उसकी शादी करा देंगी रेड जॉगर वाले भाई से, जो कि पीआई बन गए हैं एकदम. मुझे समझ नहीं वो है वो जो हर चीज करने के लिए होते हैं ना. वो कह रहे हैं हैदराबाद में है, वो कह रहे हैं हाँ है हैदराबाद में, मुझे जानने वाला हूं. उस पे भी नजर. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो राबिया ताई ने शुरू में बदतमीजियां की हैं, वो अनजस्टिफाइड थी सारी, जो शहर पे उन्होंने मुजालिम किए और वो सारा कुछ किया. बट राइट नाउ शी इज दी ओनली सेन कैरेक्टर इन थोड़ा सा. बिल्कुल. जामिन से आप पूछें, वो उससे कहता है शहर से तुम मुझसे नाराजगी की एक सॉलिड वजह तो बताओ. सदके मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ. तू है तुझे बताए हम सॉलिड वजह. होशियार कितना कोई वो मीसना है. मेरे से नाराजगी की एक सॉलिड वजह तो बताओ. क्या किया बिटवीन यू एंड मी. मैंने क्या किया. क्या क्या किया मैंने. क्या किया मैंने. सिर्फ शादी तो की है दूसरी. हाँ. चुपके चुपके. और बताया नहीं. और बताया नहीं. तो ट्रू आई एग्री. But it's still a little difficult to watch. I'm enjoying it. You're enjoying it still? Because of Rabia Tai, okay. Essentially. Haan, haan. And I had a lot of fun. I like the message that, you know, she's standing for her daughter. And I like that part. Certainly. Ji, coming to the conclusion. The top drama of the week. The top drama of the week. For us. Ji. But because for people, you don't know. Kahin Deep Jale is sometimes. For us, absolutely. The top drama and sometimes it's thoda saath. Ek cheez maine notice ki hai. इतनी ट्रिवियल नहीं है बट आई थिंक इट्स वर्थ पॉइंटिंग आउट. आपने नोटिस किया होगा आहद जब ड्रामों के अंदर इंग्लिश बोलते हैं ही डज नॉट हैव अ कैनेडियन एक्सेंट, बड़ी उर्दू वाली अंग्रेजी बोलते हैं. बट ऑब्वियसली ही डज हैव अ वेरी स्ट्रांग कैनेडियन एक्सेंट अदरवाइज. एज अपोज टू उस्मान ताहिर इन रुसवाई, जब भी वो अंग्रेजी बोलते हैं अपने कैनेडियन एक्सेंट से बोलते हैं. अमेरिकन एक्सेंट कैनेडियन, वो भी कैनेडियन आई थिंक कनाडा में रहके हैं या अमेरिका में रहके हैं. सो अगेन आहद को क्रेडिट जाता है इस चीज का. बिल्कुल बिल्कुल. ये गुड एक्टर की निशानी है कि वो अपना कैनेडियन साइड नहीं आने देते. आहद की गुड एक्टिंग है. आप कहां कहां वो जो फायरप्लेस वाला सीन होता है जिसमें वो सो रही होती है और वो अपना पास्ट फिर याद कर रहा होता है और एक तरफ उनके आग की वो रेड सारा शेड आ रहा होता है. आई मीन क्या बात थी उस सीन की. चीता एक्टर है. एक्टर भी और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है. हाँ, इस बार डायरेक्शन को आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए. बिल्कुल जरूरी है कि बड़ी शुरू में हमें पता चलता है कि सायरा हैज कन्विंस्ड मैनेज टू कन्विंस फारूक के वो बिल्कुल इनोसेंट है और अली बख्श ने भी वेरीफाई कर दिया है कि
बेगम साहब हाँ, ये पिछले एपिसोड में हमने अपने रिव्यू में बात नहीं की थी क्योंकि कॉल आ चुकी थी पिछले एपिसोड में। हाँ जी, तो वो फिर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा कि आपने बात नहीं की, और दूसरा हम आपको बता दें ये अमान ने कराई होगी कॉल। हाँ यार, इतने तो बेवकूफ हम नहीं है। हाँ जी, अमान ने कराई कॉल, हमें पता है कि और उन्होंने कर दिया, और अमान ने ये भी कह दिया कि मेरा काम हो गया है, मुझे निकालना मिल गया है, द डील इज ओवर, यू आर ऑन योर ओन नाउ, मैंने तुम्हें भी बचा दिया, तुम्हें भी बचा लिया है जो कि हाँ, बट द डील इज ओवर नाउ, तुम संभालो एंड यू आर ओके। अच्छा, दैट सीन वाज वेरी डिफिकल्ट टू शूट व्हेन शी इज इन द बाथरूम। हाँ, कैमरा उन्होंने ऊपर से किया है, और वो जो लाइटिंग उन्होंने की होगी उस शॉट के लिए ताकि शैडोज ना आए, कैमरा नजर में रिफ्लेक्शन ना आए, शीशे में रिफ्लेक्शन ना हो, और इतना सा छोटा सा बाथरूम। अगर बाकी पूरे घर में उनके सीसीटीवी कैमरास लग गए तो शी कुडंट मूव आउट। नो, बट क्रेडिट गोज टू एस अंतालेश फॉर ब्रिलियंटली शूटिंग दैट सीन व्हेन शी इज इन द बाथरूम। वेरी वेल शॉट, वेल शॉट जी। अमान दूसरी तरफ माइंड गेम्स खेल रहे हैं एना बेचारी के साथ, उसको बिल्कुल उसने साइको कर दिया है। उस बेचारी को बेड पे क्यों नहीं सोने देता, वो सोफे पे। हाँ, तो कहता है तुम्हें मैंने गोलियां दी, तू इधर ही सो जा। पहले 3 घंटे उसको ड्रग कर दिया तो वो 3 घंटे सोफे पे सोई रही है, फिर रात को उसको कहता है अच्छा तुम सो जाओ इधर ही, सो जाओ इधर ही, सो जाओ। बेचारी को उठा के ले जाओ यार, बिस्तर पे लिटा दो, तुम्हारी तो असल में भी बीवी है, क्या होने वाली क्या प्रॉब्लम है, उसको उधर ही सुला देता सोफे पे, वो मुझे अच्छा नहीं लगी। उसकी भी एक्टिंग बिविल्डर्ड, वो कहती है तो पागल हो रही हूँ, एंड व्हेन शी सेज कि तुम मुझसे इरिटेट हो रहे होगे, बट मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। फाइनली वो कहता है चलो वापस चलें, इसलिए कि तुम जगह तो पसंद नहीं है ये वो। अच्छा, मैंने एक सवाल आपसे ये पूछना था कि अब मीर फारूक को ये पता लग गया कि समबडी नोज अबाउट हिज सीक्रेट मैरिज टू साहिरा, साहिरा या साहिरा है, साहिरा, साहिरा के साथ। अब नोइंग मीर फारूक और जिस तरह का वो इवल और डेंजरस आदमी है, जो लॉजिकल कंक्लूजन इज के वो सायरा को मार दे ताकि ये सीक्रेट सीक्रेट रहे जी, और कोई इतना सायरा से उसको कोई इतना इश्काश की रोग, उसने अपनी बीवी को मरवा दिया तो सायरा को मार दिया, कौन सी खेत की मूली है। तो ये अमान ने जानबूझ के ये चाल चली है कि इवेंचुअली उसको पता है कि मीर फारूक सायरा को मरवा देगा, क्योंकि और क्या सोल्यूशन है मीर फारूक के पास। और मीर फारूक एंड में बोलता भी है अली बख्श को कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ अरेंजमेंट्स कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये अमान ने कैलकुलेटेड एक चाल चली है कि वो सायरा को मरवाना चाहता है मीर फारूक के हाथों से, या आपको क्या लगता है? अमान क्यों चाहेगा सायरा मरे, वो क्योंकि वो लूज एंड है ना, सायरा नोज द सीक्रेट, अमान की भी उसको पता है कि अमान ने ये सारी चाल चली है, अमान है इसका, अमान इतना कैलकुलेटेड है, इविल जीनियस है। अब ये है ना कि कौन ज्यादा इविल जीनियस है, फारूक या अमान? बट फारूक स्टूपिड है, जीनियस तो नहीं है। उसकी जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है अमान के ख्वाब में, वो कहती है कि ये मेरा बेटा, अमान उठ के मिलो। हाँ, अमान उसको नाम भी पता है, उसको ये भी पता है, है यार उसकी, उसको पता था कि इसका बेटा है, जब उसने सारे खानदान को मार दिया उसने नहीं सोचा कि इसका बेटा किधर गया। वो चीज है, लेकिन आई डोंट थिंक इतनी उसकी रिफ्लेक्शन है, स्टूपिडिटी है। लेकिन वो सीन बड़ा स्ट्रांग था, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का बेटा अगर आपके सामने आ जाए ना, और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस कराए, अपने बेटे का नाम बताए, तो आपको याद रहता है। हाँ, लेकिन अमान उल्ला और अमान मनी, आई मीन अमान ही बोला था, और अभी वो भी अमान ही बोलता है। तो लेकिन मैंने आपको क्या कहा, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का बेटा अगर आपके सामने आ जाए और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस कराए अपने बेटे से, तो आपको बेटे का नाम याद रहता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं हसन जैसे कोई एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, आप मेरी बात मान लें, ये हो चुका है आपके साथ। नहीं, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, मतलब आप तो बड़े कुछ तजर्बे से, मैंने आपको कही है ये बात, आप मान लें, नाम याद रहता है आपको, नाम याद रहता है बिल्कुल। और जितना वो जीनियस है जी, और जो मैं बार बार बकवास करने की कोशिश कर रही हूँ, सीन बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद उनका कोई अगर अफेयर रहा हो या दोस्ती रहा हो तो कुछ एक दो एपिसोड वो खींचे इस बात को कि नीलोफर को नहीं बता रहे, बट यहाँ तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुमैरा कहती है हाँ हाँ हम 4 साल इकट्ठे पढ़े हैं, वो भी एक्नॉलेज कर लेता है, और फिर जब जाने लगती है तो कहता है इतनी जल्दी जा रही हो, मतलब ही शोज दैट ही इज स्टिल इंटरेस्टेड, और नीलोफर आल्सो कैचेस ऑन दोस वाइब्स, एंड सो डज अमान। अमान को भी कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस आते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, अमान को अजीब सा लगता है। हाँ, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे व्यूअर्स कि अमान जब अपने ये सोच रहा होता है पुरानी जो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, तो उसको वो पर्सपेक्टिव और वो चीजें क्यों आ रही होती हैं जहाँ पे वो नहीं होता जिन सिचुएशंस में, जैसे अगर उसकी माँ और ऐना की माँ अगर आपस में फिर रहे हैं और अमान ऐना के साथ खेल रहा है, उसको वो बातें क्यों याद आ रही हैं जो अमान, अरे ये तो क्रिएटिव, इतनी क्रिएटिव लिबर्टी तो होती है ना, फ्लैशबैक में जा रही है चीज तो हैगी, बट ये अच्छा है। और अब क्या होगा ये भी मैं बड़ी क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि सायरा का क्या होगा। यह सबसे बड़ी बात कि अगले एपिसोड में जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकेट उसको डस्टबिन में मिलेगा जिसमें बाप की तस्वीर निकली भी है, हाउ इज शी गोइंग टू रिएक्ट, व्हेन विल शी फाइंड आउट दैट हर फादर किल्ड हिज पेरेंट्स,
when will she find out? That is very important. But her father also probably killed her mother. Her mother, that's a exactly. problem for and her. Other various people in his life. Yeah. Father so that's is a bigger bona fide villain. Yeah. Hai father so. बिल्कुल. और वो फादर ने ये भी कहा है कि एना की ट्रस्ट से बड़ी इस दुनिया में मेरे लिए कोई चीज नहीं है. मैं दुनिया हिला दूंगा अगर उसका ट्रस्ट किसी ने तोड़ने की कोशिश की. आग लगा दूंगा तो तोड़ने की कोशिश तो आपका दामाद कर रहा है सबसे ज्यादा. बुआ जी मेक्स अ कमबैक जी. जो हमें पता है कि अब कहीं रह रही है उनका जो नौशाबा है. नौशाबा नाम मुझे इसलिए याद रह गया, मेरी नानी मरहुमा का नाम नौशाबा था. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. तो नौशाबा जो है वो कहती है कि मेरा हस्बैंड चला गया अब सऊदीया. तो खाला आके रहना शुरू हो गई उनके पास और बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया. तो ये रेलेवेंट इसलिए है कि शायद बुआ जी अभी स्टोरी से कम्प्लीटली आउट नहीं हुई. उनके पास तो राज है सारे. उनके पास राज है. नीलोफर की मौत के पूरा राज है उनके अंदर. पूरी जिंदगी का राज है. शी नोज एवरीथिंग. She is connected to the mystery and of course we'll see her make a comeback also in Anna's life. Anna ko pata chalega ki bua chali gayi. Usne kaha na ki kahan chali gayi aur kya hua. To ye to hoga. So that was also relevant and a good development. Absolutely. Trivial cheez ye hai ki wo Ahad phone pe apne dost ko kehta hai are tum dimag pe zyada zor na dal. Cute hai ki are tum dimag pe zyada zor na dalo. अच्छा, या अरे तू दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाल. हसन मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालें. कैनेडियन है ना तो सही ना फिर आहत. ठीक है थोड़ा सा मुझे लगा. और उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी जब वो उतरती है सीढ़ियों से. एंड ही फील्स वंडर्स कि इसने कितना सुना है कॉन्वर्सेशन कितनी नहीं सुनी है. जो घबरा जाता है फिर वो क्वेश्चन करती है कि तुमने तो कहा था यहाँ सिग्नल नहीं आते और किससे बात कर रहे थे. यू नो तो वो बड़ा स्ट्रांग था. एनीवे लिटिल बिट्स ऑफ फ्लटर्स हियर एंड देयर. And again, very strong storyline. Very strong storyline. Sajjal Ahad probably the best actors in the country today. दोनों बड़े जबरदस्त performers हैं. उनकी acting से तो मतलब कितनी की तारीफ करें हम हमेशा ही करते हैं. Again, पप्पी शेफ़ी कर दी ना आहद और नहीं दी मैंने सज्जल क्योंकि उनकी शादी भी हो रही है. हाँ जी तो आहद और सज्जल underway है. अंडरवे है. ढोलकी हुई है. लोगों ने कहा उनके केक का रिव्यू करें. मैंने नहीं देखा केक उनका जो आहद और सज्जल की. मैंने नहीं देखा. मंगनी लिखा हुआ था या क्या लिखा था. वो चाहते हैं कि प्राइवेट रहे ये चीज़. नहीं केक उन्होंने वो सोशल मीडिया पे तस्वीर आई कुकी भी डाली थी ना बिस्किट भी डाला था. इट्स गॉन फॉरएवर. तो लोगों ने हमें कहा कि हम उसका रिव्यू करें. तो अल्लाह करे उनकी शादी अल्लाह करे अच्छे से हो. अल्लाह करे हमेशा खुश रहे दोनों. और अल्लाह उनको और ज्यादा सक्सेस दे. हमारी दुआएं हैं उनके उनके थ्रू हमें बहुत अच्छे ड्रामे देता रहे. आमीन. जाते जाते बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने कहा कि ऐद वफा के फिनाले का आप टीजर आया जी तो वो आप थोड़ा सा डिस्कस कर दे रिव्यू कर दे. मेजर हुमायूं ने एंट्री मारी है. अभिनंदन को उन्होंने डेलीगेट किया. कैप्टन साद एग्जिट मारेंगे. आपको कंफर्म हो गया. मुझे लग रहा है शायद बच जाए यार. अगर कोई ट्विस्ट देना चाहें या लोगों को खुश छोड़ना चाहें तो शायद हो जाए. लेकिन, सकता है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा. मुझे लग रहा है कि इमोशंस के साथ खेल रहे हैं शायद. अल्लाह करे. आई होप. बट ओवरऑल आपको कैसी वाइब आई देख के. अच्छी वाइब आई. एंड आई एम ग्लैड कि एकदम उन्होंने अनाउंस कर दिया कि रैप अप हो रहा है. मतलब आखिरी एपिसोड आ रही है. बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा खींच नहीं रहे इस चीज को. सिनेमा में भी लगा रहे हैं अगेन मेरे पास तुमों की तरह. और एक दिन पहले लगेगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 14 तारीख को टीवी पे फिनाले. टीवी पे भी आएगा. ऐसा नहीं है कि टीवी पे नहीं आएगा. लेकिन टीवी पे अगर 15 तारीख को आएगा तो 14 तारीख को आप सिनेमाज में जाके देख सकते हैं. और बहुत लोगों ने कहा है कि ये क्या नए पैसे तरीके हैं पैसे बनाने के और ड्रामे क्यों सिनेमाज में लग रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई हैव टू से इट्स अ गुड थिंग बिकॉज सिनेमा ओनर्स खुद ये कह रहे हैं कि दीज आर लिटिल फ्लैशेज जिनकी वजह से सिनेमाज में रेवेन्यू आ रहा है. बिकॉज अभी तक कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई इस साल. बॉलीवुड पर भी बैन है. सिनेमाज आर नॉट डूइंग टू वेल. So these things for a trending drama to run in the cinema is good for the economy. Plus आपके पास choice है. ऐसा नहीं है कि TV पे नहीं आएगा या YouTube पे नहीं आएगा. आपकी मर्जी है. आप जाने अगर आपका दिल चाह रहा है. Although TV channels, especially ARY and Jio and Hum TV से तीनों से मेरी अपील है कि please international audiences के लिए YouTube पे embargo मत लगाया करें. हमारे बहुत से viewers हैं जो लिखते हैं कि हम नहीं देख पा रहे इन सिंगापुर इन कनाडा इन यूके कई ड्रामे नहीं देख पाते. इन द यूएस नॉर्थ अमेरिका में चल रहा होता है वहाँ नहीं चल पाते. तो ऐसे नहीं करें यार. हाँ तो ये बहुत हमारे व्यूवर्स ने हमें कहा कि हम इसको हाईलाइट करें. शुक्र. तो ARY वालों जियो वालों हम वालों अगर आप लोग ये देख रहे हो वीडियो तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है अपने ऑडियंस के बिहाफ पे कि जो हमारे इंटरनेशनली जो व्यूवर्स हैं प्लीज उनके लिए कोई रास्ता खोलें. आई थिंक वो चाह रहे हैं कि सब ऐप्स पे मूव कर जाएं. नहीं मगर जब तक आपके ऐप्स बिल्कुल ऐसे फ्लॉलेस नहीं होते लोग नहीं मूव करना चाहेंगे. एंड डोंट टेक द अपॉर्चुनिटी अवे फॉर देम ऑन वाचिंग इट ऑन या तो यू नो आई डोंट नो. अच्छा एक जो ऐद वफा की बात इंटरेस्टिंग बात थी जब ट्रेलर शुरू हुआ
तो वो लिखाया हम फिल्म्स प्रेजेंट्स एंड एमएनडी फिल्म्स प्रेजेंट, तो मुझे लगा कि थोड़ा ये फिल्म के हिसाब से शूट भी अलग से हुआ है, तो वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो भी अगेन, बिकॉज़ आई नो कि ये बहुत पहले शूट नहीं हुआ था फिनाले, स्पेशली जो हुमायूं के जो ये एंट्री है शॉट्स हैं ये अभी दो हफ्ते पहले ही शूट हुए हैं, सो इट कुड बी कि ये जैसे हम मेरे पास तुमों का फिनाले सिनेमा में देखने गए थे तो वो एक्सपीरियंस उतना जबरदस्त नहीं था जितना आप टेलीविजन पे देख सकते हैं, यू नो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली, जी बिल्कुल, बिकॉज़ ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, टीवी की शूटिंग अलग होती है, तो हो सकता है कि ये सारी शूटिंग भी फिल्म के हिसाब से हुई हो, तो ये सिनेमा में एक्सपीरियंस बेहतर, साउंड रिक्वायरमेंट बिल्कुल फर्क है सबसे बड़ी, साउंड कैमरा रिक्वायरमेंट सारी रिक्वायरमेंट, तो क्या हसन आप जाएंगे ऐद वफा के फाइनल एपिसोड देखने? हम टीवी से हमारी चल रही है बात, वी आर इन टच विद देम, वो ये कह रहे हैं कि शायद प्रीमियर ना हो ग्रैंड किस्म का कराची में, जी बट अभी 50-50 है, ठीक है, अगर तो कराची में ऐसी कोई स्क्रीनिंग हुई जहाँ पे उन्होंने सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया, मीडिया को इन्वाइट किया, तो इंशाल्लाह हम डेफिनेटली जाएंगे और वहाँ पे एक मजे की वीडियो भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे, रिव्यू तो इधर भी हम करेंगे जी, बट अगर हम प्रीमियर पे गए तो विल डू अ स्पेशल वीडियो, जबरदस्त। कल हमारी पहलाज की वीडियो आई है, लोगों ने बड़ी तारीफ की, और बाय द वे हसन मुबारक हो, आप वाकई बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं बच्चों का, इट वाज रियली रियली अ गुड इंटरव्यू, कमिंग फ्रॉम यू मींस अ लॉट, ओए आपका जी बिल्कुल, नहीं नहीं आई वुड नॉट हैव डन बीन एबल टू डू सच अ गुड इंटरव्यू, नहीं नहीं वाकई आपने बहुत मैच्योर तरीके से एक छोटे बच्चे का इंटरव्यू किया, इट वाज वेरी इंप्रेसिव, तो थैंक यू एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी जिन्होंने तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह आपका ट्रैवलॉग आएगा, होपफुली सून, कमिंग सून, कोशिश हमारी, मैं आमना को पुश कर रहा हूँ कि अभी जो ये मालदीव्स गई थी तो उनका जो बड़ा बहुत जबरदस्त उन्होंने ट्रैवलॉग बनाया, वो उम्मीद है कि कल आपको देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ी सी फैशन की भी टिप्स होंगी, तो जो बहुत अरसे से आप लोग कह रहे हैं आमना की फैशन वीडियो, मगर दिस इज नॉट द फैशन वीडियो, इट्स नॉट, इट्स नॉट द फैशन वीडियो, भी काम हो रहा है, बट उस पे भी हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, बिलीव मी मैं रोज आमना को पुश कर रहा हूं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ फन वॉच बिकॉज इसमें फैशन की बात होगी, तो होपफुली सैटरडे को वो आप देखेंगे जी, और हसन ट्रैवलॉग के अलावा एक बहुत स्पेशल वीडियो संडे को भी हम पोस्ट कर रहे हैं, आपने फिरोज का इंटरव्यू किया, सॉरी मैं वो बताना भूल गया, जी जी, और बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की अनाउंसमेंट्स की हैं फिरोज ने उस इंटरव्यू में, एज ऑलवेज फिरोज छोटे उसमें तो रेशियो में बात ही नहीं करते ना, वो तो आपको पता है, पॉइंट ब्लैंक आमना ने फिरोज से पूछ लिया भाई कि आप इंडस्ट्री छोड़े या नहीं छोड़े, और उसका जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दे दिया है, तो संडे को आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा फिरोज का इंटरव्यू, और मंडे को हम आपके पास आएंगे वीकेंड इंटरव्यू लेके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।